कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं एवं दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा तथा पत्राचार शिक्षा के मध्य अंतर को समझेंगे। इसको समझेंगे दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, क्या विशेषता होती है, क्या लक्षण होते हैं दूरस्थ शिक्षा के, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा तथा पत्राचार शिक्षा में अंतर को समझ सकेंगे, जान सकेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं को जान लेते हैं कि दूरस्थ शिक्षा की क्या विशेषता होती है, क्या लक्षण होती है। अपनी प्रकृति स्वरूप तथा उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए कहा जा सकता है कि दूरस्थ शिक्षा की अनेक विशेषताएं हैं। क्या है? विद्वानों ने दूरस्थ शिक्षा की अनेक विशेषताएं, अनेक लक्षण बताए हैं जिसको हम निम्नलिखित अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्या है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के द्वारा छात्रों को अधिगम प्रारंभ करने तथा समाप्त करने की अपनी क्षमता के अनुरूप ही स्वतंत्रता है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा में छात्र को कब अध्ययन करना है, कब अध्ययन नहीं करना है, किस टॉपिक पे अध्ययन करना है, कौन से पाठ्यक्रम को अध्ययन करना है, इसके लिए छात्र क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। दूसरा है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत व्यक्तिगत, जिसे हम प्राइवेट कहते हैं, व्यक्तिगत छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य भिन्नता को अपनाने के लिए अनुदेशन प्रणाली को संरक्षण देने तथा बढ़ावा देने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि क्लास टाइम में दूरस्थ शिक्षा लेने के समय में जो शिक्षक और छात्र के बीच जो भिन्नता होती है वह अनुदेशन प्रणाली के माध्यम से संरक्षण देने की बढ़ावा दिया जाता है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। तीसरा है, इसके अंतर्गत अनुदेशन प्रणाली को माध्यम तथा संचार का मिश्रण करके जोड़ा जाता है। यानी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत जो अनुदेशन प्रणाली है तथा दूर संचार के माध्यम से मिश्रण करके उस शिक्षण का कार्य किया जाता है अथवा विषय की इकाई को अधिक प्रभावशाली रूप से पढ़ाया जा सकता है। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। जिस पाठ्यक्रम को, जिस विषय को हमको पढ़ना होता है वह बहुत ही रुचिकर होता है और आसान होता है। चौथा है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली छात्रों को समान अवसर तथा चयन की स्वतंत्रता का अधिकार देती है। क्या है? जो हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा लेते हैं उसमें क्या है, छात्रों को समान अवसर, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है तथा वह कौन सा पाठ्यक्रम का अध्ययन करे इसके लिए वह छात्र क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यह अधिकार दूरस्थ शिक्षा छात्रों को देती है। इससे विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। उत्तरदायित्व कि हमें क्या करना चाहिए, आत्मनिर्भर बनने का भी ज्ञान हमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मिलता है। पांचवा पॉइंट है, इस अनुदेशन में सामग्री के अध्ययन का उत्तरदायित्व छात्रों पर ही अधिक मात्रा में होता है। सामग्री यानी कि कौन से पाठ सहगामी क्रियाओं से हम अध्ययन करें इसके लिए भी छात्र स्वतंत्र होता है। छठवां पॉइंट है, अनुदेशन प्रणाली को छात्रों की उपलब्धता का मूल्यांकन, यानी कि अनुदेशन प्रणाली के माध्यम से छात्र क्या पढ़ा है, क्या जाना है, क्या समझा है, इसके माध्यम से क्या होता है, मूल्यांकन
मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्रों के अध्ययन के उनके अध्ययन की दर यानी किस हिसाब से वह छात्र तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, इसके विषय में भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पता चल जाता है। उनके अध्ययन की विधि एवं उनके अध्ययन के क्रम पर स्थान बाधाएं उत्पन्न नहीं करती है, यानी कि वह किस हिसाब से किस प्रक्रिया से अपने आप को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, इसमें दूरस्थ शिक्षा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती। सातवां पॉइंट है, इन अनुदेशन में प्रयोग में लाए जाने वाले तकनीकी अथवा कोई भी माध्यम पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, यानी दूरस्थ शिक्षा का अध्ययन करने के लिए जो भी अनुदेशन को हम प्रयोग में लाते हैं, चाहे वह कोई भी माध्यम हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे कोई और माध्यम हो, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जिसे हम स्पष्ट रूप से अध्ययन न कर सकें। आठवां पॉइंट है, इस अनुदेशन योजना को सभी शिक्षक शिक्षण माध्यम तथा विधियों में जो प्रभावशाली सिद्ध हो चुके हैं का ही प्रयोग होता है। इसमें दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा देते समय या फिर शिक्षण करते समय जो भी माध्यम सबसे उपयुक्त समझा जाता है उसे दूरस्थ शिक्षा में ही उपयोग में लाया जाता है और वह प्रभावशाली होता है जिससे छात्र आसानी से सीख सकता है। नौवां पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत अनुदेशन योजना यानी कि हमको क्या पढ़ाना है, पहले से योजना बनाना पड़ता है। इसमें भी दूरस्थ शिक्षा में भी विभागीय सदस्यों को संरक्षकता यानी कि उस विभाग में कार्यरत जो भी सदस्य होते हैं उनको क्या होती है, सुरक्षा प्रदान होती है, संबंधित कर्तव्य से मुक्त करता है, क्या है उनके ऊपर कोई खतरा नहीं होती है, वो अपने उनको क्या कर्तव्य करना ऐसी कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं होती। किसकी शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा में, जिससे शिक्षक तथा छात्र अपना अधिक से अधिक समय शैक्षिक क्रियाओं को दे सकते हैं। यानी दूरस्थ शिक्षा में किसी का भी, चाहे शिक्षक हो, चाहे कोई सदस्य हो विभाग का, चाहे छात्र हो, उनका समय बर्बाद नहीं होता है, वह आसानी से अपनी शैक्षिक क्रियाओं को करते हैं। दसवां पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत अनुदेशन वहां उपलब्ध होता है जहां अनेक छात्र अथवा एकमात्र छात्र हो, चाहे वहां पे अनेक छात्र हो चाहे एक ही छात्र हो, वहां भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है, चाहे उस समय तथा उस स्थान पर अध्यापक की उपस्थिति हो अथवा न हो। यानी कि दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो, अगर शिक्षक रहता है तभी चलता है, नहीं रहता है तभी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षण कार्य चलता है। अब हम दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं को कुछ जान सके। अब दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा और मुक्त शिक्षा में क्या अंतर है उसके विषय में जान लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रवेश यानी कि एडमिशन, किसमें दूरस्थ शिक्षा में, मुक्त शिक्षा में, पत्राचार शिक्षा में किस प्रकार एडमिशन होता है, प्रवेश होता है। तो प्रवेश का माध्यम, इस पद्धति में प्रवेश परंपरागत आधार पर दिया जाता है, यानी कि दूरस्थ शिक्षा में भी परंपरागत आधार, यानी कि जैसे पहले एडमिशन होता था फॉर्म भरना, फॉर्म फिलअप करना, जो प्रक्रिया आज है उस प्रक्रिया में आज भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एडमिशन या प्रवेश होता है। और मुक्त शिक्षा में यहाँ परंपरागत रूप से विद्यार्थी के प्रवेश में कम बाध्यताएं अथवा शर्तें होती है, यानी कि जो शर्तें दूरस्थ शिक्षा में होती है उससे कम शर्त, माध्यम वही रहती है, परंपरा वही रहती है, लेकिन शर्तें कम होती है प्रवेश प्रक्रिया में। पत्राचार शिक्षा में जैसा कि नाम से ही आपको अवगत है, यहाँ पे प्रवेश परंपरागत शिक्षा के आधार पर प्रदान किया जाता है, यानी कि पहले जैसे ही फॉर्म फिलअप करने के बाद ही एडमिशन होता है, प्रवेश होता है, वह प्रक्रिया पत्राचार में भी है।
दूसरा है शिक्षक सामग्री। शिक्षक सामग्री मतलब किस किस शिक्षक सामग्री से किस किस शिक्षा में शिक्षण कार्य होता है, इसके विषय में जान लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा में इस पद्धति में अध्ययन सामग्री, संचार तथा अन्य दूरदर्शन के माध्यम से हम कर सकते हैं। इसमें दूरस्थ शिक्षा में जो शिक्षण सामग्री होती है वह क्या होती है, संचार तथा दूरदर्शन के माध्यम से। मुक्त शिक्षा में शिक्षण सामग्री का चयन चयनात्मक, यानी कि जो हम चयन कर ले या पत्राचार के माध्यम से या टीवी दूरदर्शन रेडियो चाहे बुक किसी भी माध्यम से, हम वो हमारे ऊपर निर्भर होता है, छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस माध्यम का से अध्ययन कर रहा है। पत्राचार में शिक्षण सामग्री क्या है, पत्राचार शिक्षा में नाम के अनुरूप अध्ययन सामग्री डाक के माध्यम से प्रेषित की जाती है। क्या है, जैसा नाम के ही अनुसार पत्राचार शिक्षा, यानी कि डाक के द्वारा ही वह बुक या फिर पत्राचार के माध्यम से मेरे पास वह बुक आती है, उसके माध्यम से हम अध्ययन उस बुक के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। शिक्षण उपकरण मुक्त दूरस्थ शिक्षा में, फिर मुक्त शिक्षा में तथा पत्राचार शिक्षा में शिक्षण के सामग्री उपकरण कौन कौन से हैं, इसको जान लेते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा में दूरदर्शन क्या है, दूरदर्शन रेडियो वित्त चित्र कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि, यानी कि दूरस्थ शिक्षा को हम दूरदर्शन रेडियो वित्त चित्र कॉन्फ्रेंसिंग आदि माध्यमों से शिक्षण कार्य कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। वही मुक्त शिक्षा में परंपरागत तथा आधुनिक, यानी कि पहले जैसा होता था और आज जैसे शिक्षा हमको मिलता है उसी के अनुसार मुक्त शिक्षा में हमको शिक्षा मिलता है। पत्राचार में यहाँ अध्ययन सामग्री मुक्त रूप से मुद्रित होती है, छपी हुई होती है। इसमें पत्राचार शिक्षा में जो सामग्री होती है अध्ययन सामग्री होती है वह क्या होती है, मुद्रित होती है। अब परीक्षा पद्धति, यानी कि दूरस्थ शिक्षा मुक्त शिक्षा और पत्राचार शिक्षा वह अपनी शिक्षा से संबंधित किस प्रकार परीक्षाएं कराती है, उसके विषय में अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ परीक्षा ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन अथवा टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती है, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से ही दूरस्थ शिक्षा में परीक्षा कराई जाती है। वहीं मुक्त शिक्षा में समानतः इस पद्धति में परीक्षा का आधार परंपरागत होता है, जैसे आज होता है यूनिवर्सिटी का पेपर होता है, हाई स्कूल का पेपर होता है, इंटर का पेपर होता है, ग्रेजुएशन का पेपर होता है, उसी आधार पे मुक्त शिक्षा का भी पेपर होता है। पत्राचार में यहाँ परीक्षा का आधार परंपरागत अथवा पत्राचार के माध्यम से होता है, यानी कि विद्यालय यूनिवर्सिटी के जैसा भी होता है और प्रत्याचार पत्राचार के माध्यम से, कैसे कि क्वेश्चन पत्राचार के माध्यम से छात्र के घर जाएगा, छात्र उसका आंसर लेकर पत्राचार के माध्यम से उस संस्थान को भेजेगा। स्वरूप कि दूरस्थ शिक्षा मुक्त शिक्षा और पत्राचार शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है, दूरस्थ शिक्षा का प्रारूप वर्तमान समय में अधिक विस्तृत होता है, यानी कि ज्यादा स्तर पे फैला हुआ है, बड़े स्तर पे है, समय के साथ साथ इसमें नए नए आयाम समाहित होते जाते हैं। जिस प्रकार समय में परिवर्तन होता रहता है, उसी प्रकार इस दूरस्थ शिक्षा में भी परिवर्तन होता रहता है, नए नए आयाम जुड़ते रहते हैं। मुक्त शिक्षा में मुख्य रूप से मुक्त शिक्षा का प्रारूप चयनात्मक होता है, वह विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है, छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का पाठ्यक्रम चयन करता है। फिर पत्राचार शिक्षा का प्रारूप परंपरागत शिक्षा के समान ही होता है। अब शिक्षक की भूमिका, दूरस्थ शिक्षा में पत्राचार शिक्षा में मुक्त शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, आवश्यकता होने पर विद्यार्थी शिक्षक की सहायता ले सकता है। इस शिक्षा में
दूरस्थ शिक्षा में। अगर छात्र को लगता है कि हमें शिक्षक की आवश्यकता है तो शिक्षक की सहायता ले सकता है, अन्यथा नहीं। मुक्त शिक्षा में यहाँ शिक्षक की विशेष भूमिका होती है। क्या है? मुख्य रूप से विशेष रूप से एक ध्रुव के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है, मुख्य रूप से किसमें? मुक्त शिक्षा में। पत्राचार शिक्षा में यहाँ पर शिक्षा की भूमिका न्यून होती है, कम मात्रा में होती है या ना के बराबर होती है। विभिन्न व्यय, किस शिक्षा में कितना व्यय होता है? दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा प्रणाली अधिक व्यय की मांग करती है, यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है उसमें व्यय भार अधिक होता है। यहाँ मुक्त शिक्षा में अत्यधिक कम व्यय होता है, और मुक्त शिक्षा क्या होता है? कम से कम व्यय होते हैं, यहाँ पे सीमित मात्रा में व्यय होता है। किसमें? पत्राचार शिक्षा में कम से कम सीमित मात्रा में व्यय होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन है, उसको जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के उपकरण का नाम बताइए। जैसे दूरस्थ शिक्षा के उपकरण में कौन कौन से नाम आएंगे? दूरदर्शन, रेडियो, टेलीविजन आदि उपकरण आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मुक्त शिक्षण में शिक्षक का भूमिका क्या होती है? मुक्त शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? मुख्य रूप से एक ध्रुव के समान होती है, मुख्य भूमिका होती है शिक्षक की मुक्त शिक्षण में। तीसरा है, पत्राचार शिक्षा में शिक्षण उपकरण कैसा होता है? कैसा होता है? पत्राचार शिक्षण उपकरण होता है, डाक के माध्यम से मंगाया जाता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।